Xiaomi 11 Lite 5G एनी स्मार्टफोन यूरोप मार्केट के अंदर आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और गाइस ये स्मार्टफोन इंडिया में काफी जल्द लॉन्च होने वाला है। यूरोप मार्केट में ये स्मार्टफोन 369 यूरोस की प्राइस पर लॉन्च हुआ है, यानी कि करीबन 32,000 इंडियन रुपीस की प्राइस पर यह स्मार्टफोन यूरोप मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। लेकिन गाइस हम सभी लोगों को पता है कि यूरोप मार्केट में सभी स्मार्टफोन की प्राइस ज्यादा ही होती है। इंडिया में जब यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा तब इसकी प्राइस 5-6,000 कम ही होगी, यानी कि इंडिया में यह स्मार्टफोन 26 या फिर 27,000 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च हो जाएगा। और गाइस इस प्राइस पर यह स्मार्टफोन एकदम ही बेहतरीन स्मार्टफोन कहलाएगा, क्योंकि यहां पर जो हमें फीचर्स मिलते हैं उसके हिसाब से यहां पर इसकी प्राइस पॉइंट सही होगी। यहां पर हमें एक कमाल का प्रोसेसर मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 770G का प्रोसेसर यहां पर हमें मिल जाएगा। और गाइस स्नैपड्रैगन 770G प्रोसेसर एक काफी पावरफुल प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 770G प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1200 से काफी सिमिलर है परफॉर्मेंस के मामले में, यानी कि परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफी बेहतरीन होने वाली है। डे टू डे टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और गेमिंग करते समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाई सेटिंग्स में गेम भी आप लोग इजीली खेल पाएंगे। इस स्मार्टफोन के बाकी सब फीचर्स की बात करें तो बाकी सभी फीचर्स इस स्मार्टफोन के Mi 11 Lite 4G जैसे ही होने वाले हैं, जैसे कि यहां पर हमें AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी और ये डिस्प्ले 10-bit पैनल वाली डिस्प्ले होने वाली है, जहां पर 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। यहां पर हमें 64MP का कैमरा मिल जाएगा और यहां पर हमें अच्छी खासी बैटरी भी मिल जाएगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और गाइस ये स्मार्टफोन काफी थिन एंड लाइट स्मार्टफोन होने वाला है, और अगर आपको थिन एंड लाइट स्मार्टफोन पसंद है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा उसके बारे में बात करें तो रिपोर्ट से ऐसी जानकारी मिली है कि इंडिया में ये स्मार्टफोन इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग वीक में, यानी कि पहले या फिर दूसरे वीक में ही लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। इंडिया में अगर ये स्मार्टफोन 26-27,000 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन काफी सारे स्मार्टफोन्स को किल कर सकता है, जैसे कि OnePlus Note 2 के साथ काफी कंपटीशन कर सकता है, फिर Moto H20 को भी कम्पीट कर सकता है, इसीलिए काफी अच्छा ये स्मार्टफोन है। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन 30,000 से ज्यादा की प्राइस पर इंडिया में लॉन्च होता है तो इतना कुछ खास स्मार्टफोन ये नहीं कहलाएगा। मेरे ख्याल से तो ये स्मार्टफोन 26-27,000 रुपीस की प्राइस पर तो इंडिया में लॉन्च हो ही जाएगा, जो कि एक काफी अच्छी प्राइसिंग होगी इस स्मार्टफोन की। क्या आप लोग Xiaomi 11 Lite 5G एनी के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये था मेरा वीडियो Xiaomi 11 Lite एनी 5G के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।